टीवी इंडस्ट्री के ऐसे बहुत सारे सितारे हैं जिन्होंने सीरियल्स में अपनी मनमर्जी से नेगेटिव रोल निभाकर काफी नेम फेम हासिल किया है, जिनके उन नेगेटिव रोल्स को दर्शकों ने भी काफी ज्यादा पसंद किया है और उनकी एक्टिंग को भी बहुत ही ज्यादा सराहा है। लेकिन दोस्तों, वहीं टीवी इंडस्ट्री में ऐसे भी कई मशहूर सितारे हैं जिन्होंने अपनी मनमर्जी से सीरियल्स में नेगेटिव रोल नहीं निभाया, बल्कि उन्हें जबरदस्ती नेगेटिव रोल निभाने के लिए हायर किया गया था, जिनके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। इसीलिए आज हम आपको टीवी इंडस्ट्री के उन सितारों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें जबरदस्ती नेगेटिव रोल के लिए हायर किया गया था। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। नंबर एक पर है आम्रपाली गुप्ता। इश्कबाज और कबूल है जैसे सीरियल्स में टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री आम्रपाली गुप्ता को जबरदस्ती नेगेटिव रोल निभाने के लिए हायर किया गया था। जी हाँ, क्योंकि मेकर्स चाहते थे कि इस सीरियल में आम्रपाली नेगेटिव रोल निभाएं, पर ये नेगेटिव रोल के लिए नहीं बल्कि पॉजिटिव रोल निभाना चाहती थी। पर जब मेकर्स ने इन्हें ज्यादा फीस ऑफर की तो इन्हें जबरदस्ती इस सीरियल में नेगेटिव रोल निभाना पड़ा। नंबर दो पर है ऐश्वर्या खरे। ये है चाहते सीरियल में ऐश्वर्या खरे को भी जबरदस्ती नेगेटिव रोल निभाने के लिए हायर किया गया था। जी हाँ, आपको बता दें कि एकता कपूर ने इन्हें कहा कि आपका रोल हम ज्यादा बड़ा रखेंगे ताकि सारी लाइमलाइट आप पर ही आए और आप सीरियल से फेमस हो जाएं। जिनके ये सब कहने के बाद और ढेर सारी मिन्नतें करने के बाद ऐश्वर्या ने ये है चाहते सीरियल में नेगेटिव रोल निभाया था। नंबर तीन पर है शिखा सिंह। कुमकुम भाग्य सीरियल में आलिया का नेगेटिव किरदार निभाने के लिए शिखा सिंह को मेकर्स ने जबरदस्ती हायर किया था। जी हाँ, क्योंकि एकता कपूर को उस टाइम एक एक्ट्रेस की सख्त जरूरत थी जो सीरियल में नेगेटिव रोल निभा पाए, और उसी टाइम शिखा सिंह को भी काम की काफी जरूरत थी। इसीलिए एकता को ना चाहते हुए भी जबरदस्ती शिखा सिंह को हायर करना पड़ा और शिखा को भी ना चाहते हुए सीरियल में नेगेटिव रोल निभाना पड़ा। नंबर चार पर है हिना खान। कसौटी जिंदगी की सीरियल में कमोलिका का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री हिना खान को एकता कपूर ने काफी इमोशनली ब्लैकमेल किया था और कहा था कि अगर आप इस सीरियल में कमोलिका का किरदार निभाएंगी तो मैं आपको इससे भी बड़े प्रोजेक्ट में काम करने का मौका दूंगी, जिसकी ये बात सुनकर हिना खान ने ना चाहते हुए भी सीरियल में कमोलिका का किरदार निभा लिया था। और पांच पर है लीना जुमानी। कुमकुम भाग्य सीरियल में तनु का नेगेटिव किरदार निभाने के लिए लीना जुमानी को भी जबरदस्ती हायर किया गया था। जी हाँ, आपको बता दें कि एकता कपूर ने इन्हें कहा था कि ये रोल बहुत ही अच्छा है जो कि आपको काफी फेम दिला सकता है, और अगर आप ये किरदार निभाएंगी तो आप पॉपुलैरिटी के शिखर पर पहुंच जाएंगी। जिनके इतना कुछ कहने के बाद ही लीना जुमानी इस सीरियल में नेगेटिव किरदार निभाने को तैयार हुई थी। नंबर छह पर है संजय गगनानी। कुंडली भाग्य सीरियल में पृथ्वी का नेगेटिव किरदार निभाने वाले अभिनेता संजय गगनानी अपनी मनमर्जी से नहीं बल्कि एकता कपूर की जबरदस्ती की वजह से इस सीरियल में नेगेटिव रोल निभा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इन्हें बहुत फोर्स किया और बहुत ही ज्यादा मिन्नतें की, तब जाकर ये जबरदस्ती सीरियल में नेगेटिव रोल निभा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन सभी सितारों ने नेगेटिव रोल निभाकर सही किया या गलत? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।